काम तो हमारे भी काम करेंगे, बैठे सुन रहे हैं, ठीक है ना। देखिए जिसे जो आपत्ति होगी ना, जी चार बारह का समय है, जी उसके अलावा एक आदेश आप लोग नहीं देखा है ना, वो होता है उसी साथ जो है एक आदेश और उसी साथ होता है स्वतंत्र। अभियोग की इतनी इतनी इनकी जो है संस्कृत कर ये जब्त कर लिया गया है, तहसीलदार धामपुर को प्रशासक नियुक्त किया गया है, प्रशासक संपत्ति किसी प्रभावित सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आज हम लोग उसकी पोजीशन लेंगे, कब्जा लेंगे, उस कब्जा में हमारे जाएगी, फिर जिसे जो आपत्ति है, जिसे जो भी मौका है, वो उसकी इस नोटिस के तहत चार बारह को अपने माध्यम से वकील माध्यम से फिर वो जवाब देगा। डीएम साहब संतुष्ट होंगे, उन्हें लगेगा तो वो फिर दोबारा आदेश होगा, फिर उसकी छूट जाएगी जी। लेकिन ये तो नोटिस वाला ये आप लोगों ने देखा है, तो ये दूसरा है, ये क्या है, तो इसीलिए होता है ये संपत्ति इतनी जब्तीकरण कर ली गई है, एक ही तारीख होती, दोनों साथ होते हैं जी। पहले सरकार अपना कब्जे में ले लेती है, उसके बाद सुनवाई का मौका देती है, यही नियम में है। तो आप लोग मतलब फ्री हैं, चार तारीख को आप लोग जाके बता सकते हैं। आप लोगों ने ये देखा है ये वाला ना, चार तारीख को ये नहीं देखा, ये नहीं देखा, ये भी उसी दिन का आदेश, एक ही डेट के आदेश होते हैं। शेरपुर के अंतर्गत जो है एक वकील कुरैशी नाम का व्यक्ति है, जिसके ऊपर कई तरह के आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। इसका एक अपना अवैध स्रोतों से कमाई हुई धन का एक गैंग चल रहा था, जिसमें वकील अहमद, इसके साथ ही इदरीस अहमद और समीम अहमद जो वर्तमान में इसी मुकदमे में जेल में बंद हैं, इनकी जो अवैध स्रोतों से कमाई की संपत्ति की धारा गैंगस्टर की धारा 14(1) के अंतर्गत आज जो है लगभग 20,33,62,116 रुपये की, लगभग 20,34,00,000 रुपये की संपत्ति जिलाधिकारी महोदय द्वारा कुर्क कर ली गई है, और तहसीलदार धामपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया है। आज मौके पर एडीएम प्रशासन मेरे द्वारा, सीओ साहब द्वारा, सब स्टाफ द्वारा जो है मुनादी कराकर डुबडुबी पिटवाकर इस संपत्ति को अपने सुपुर्दगी सरकार द्वारा ले लिया गया है, कब्जा कर लिया गया है, उस पर बोर्ड लगवा दिए गए, लाल झंडियों द्वारा लगवा दी गई है। अब आज से ये जमीन सरकार की पक्ष में कुर्क कर ली गई है।